हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है, काफ़ी दिनों से मतलब कमेंट आ रहे थे कि आप सैयद अली मीराद आता जो दरगाह शरीफ है वहाँ जाकर के वीडियो बनाइए, वहाँ की मतलब एड्रेस क्या है, लोकेशन क्या है। तो दोस्तों, लोकेशन भी मैं दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ की लोकेशन भी डालूंगा। और अभी हमारे साथ में यहाँ के जो खादिम साहब है, आपको अंदर से पूरा दीदार कराएंगे, ज्यारत कराएंगे और आप लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया तरीके से दुआ करेंगे। तो अभी इन्हों से बात करते हैं और ये बताएंगे आपको कि एड्रेस कहाँ है इसका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद मुजाहिद अली हाजी अब्दुल सलाम, हुजूर सैयद अली मीराद अत्तार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ से सजादा नसीन। सरकार की मजार शरीफ गुजरात के अंदर है और अहमदाबाद से 100 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है। उंजा उनावा गांव है और सरकार की मजार उनावा के अंदर है। और आप सब तरुण भाई से पूछते हैं कि महाराष्ट्र में सैयद अली सरकार की दरगाह कौन सी जगह है और लोकेशन क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार का छिल्ला है। जैसे अभी आगे वीडियो में आप दादी अम्मा का छिल्ला देखेंगे, रास्ती अम्मा का छिल्ला देखेंगे, उसी तरह से सरकार का तबर्रुक वहाँ पर दिया गया है और वहाँ पर दुआ की जाती है और वो छिल्ला है। सिर्फ मेन मजार सरकार का गुजरात के अंदर है, अहमदाबाद से 100 किलोमीटर की दूरी के ऊपर, जो उनावा गाँव के अंदर है, उनावा शरीफ के अंदर। तो मेन मजार सरकार का इधर है। जो महाराष्ट्र के अंदर आप जो बता रहे हो, जो मुंबई के अंदर रे रोड के ऊपर, वो सरकार का सिर्फ छिल्ला है। और रे रोड पे ही नहीं, काफ़ी जगह सरकार के छिल्ले हैं, छत्तीसगढ़ है, एमपी है या यूपी है या किधर भी जगह, मतलब दुनिया में गौस पाक सरकार के कैसे छिल्ले मुबारक है, हर जगह छल्ला होता है। तो उसी तरह से दातर बाबा का भी हर जगह छल्ले है। तो मेन मजार सरकार का गुजरात में है, जो अहमदाबाद से 100 किलोमीटर की दूरी के ऊपर, उंजा उनावा, उनावा शरीफ, ये मेन मजार सरकार का है। तो ये उंजा जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से मतलब कितने किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है? करीबन 4-5 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है रेलवे स्टेशन के ऊपर। आप रेलवे स्टेशन से मतलब बाहर निकलेंगे तो ऑटो वाला आपको बोलेगा कि किधर जाना है, तो आप बोलेंगे कि मीरा दातार जाना है या उंजा शरीफ, उनावा शरीफ जाना है, तो वो आपको इधर छोड़ देगा। तो चलिए दोस्तों, अब बैक कैमरे से मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ और चलते हैं अंदर दरगाह शरीफ के अंदर और ज़ियारत करते हैं और आप लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया तरीके से दुआ भी करेंगे जो हमारे खादिम साहब हैं। चलिए बैक कैमरे से दिखाता हूँ पूरा नज़ारा। तो दोस्तों, अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ ये ऊपर से पूरा यहाँ का नज़ारा, जो कि दरगाह शरीफ में अभी हम मौजूद है और काफ़ी बढ़िया यहाँ पर आप मंज़र देख सकते हो, काफ़ी खूबसूरत मंज़र, यहाँ पर मौसम भी काफ़ी बढ़िया हो रहा है। तो दोस्तों, सिर्फ मैं आज के वीडियो में आपको दरगाह शरीफ का पूरा नज़ारा बताऊंगा और अंदर आपको ज़ियारत कराएंगे। और दोस्तों, ऐसे ही सैयद अली मीराद अत्तार दरगाह, जो कि उनावा में स्थित है, यहाँ पे जितनी भी करामातें हैं यहाँ की, आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके कई वीडियो यहाँ के आएंगे आपके पास। तो अभी मैं आपको, क्योंकि मैं एक साथ इतना लंबा वीडियो अपलोड नहीं कर सकता, इसलिए मैं अभी आपको इस वीडियो में सिर्फ आपको यहाँ से पूरा दीदार कराऊँगा और अंदर चल के हम यहाँ पे ज़ियारत करेंगे और पूरा नज़ारा देखेंगे दरगाह शरीफ का कि किस प्रकार से यहाँ का पूरा मंजर है। तो हम यहाँ से देखिए गुम्मत कितना काफ़ी बढ़िया, काफ़ी खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है और यहाँ का पूरा सीन देखिए। तो दोस्तों, मौसम भी काफ़ी बढ़िया है यहाँ का, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर कितना प्यारा यहाँ का सीन आपको नज़र आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम नीचे चलते हैं और आपको दरगाह शरीफ के बिल्कुल बाहर से लेकर के अंदर तक का पूरा नज़ारा दिखाएंगे, फिर अंदर चलेंगे और ज़ियारत करेंगे। तो ये पूरा यहाँ का सीन है दोस्तों। अभी हम बाहर है और यहाँ पे आपको कई यहाँ पे मार्केट दिखेगा जो कि दरगाह शरीफ के अंदर ही है। और ये पूरा यहाँ पे आपको जो भी मतलब दोस्तों खाने पीने से रिलेटेड भी जो बाहर रेस्टोरेंट है काफ़ी बढ़िया यहाँ पे, और यहाँ पे पूरा मार्केट लगा हुआ है। जैसे कि अगर आपको कुछ चाहिए यहाँ से रिलेटेड, यहाँ की कुछ निशानी चाहिए, तो आप यहाँ से लेकर के जा सकते हो। और यहाँ पर फूल चादर आपको अंदर ही मिल जाएगा दरगाह शरीफ में। और यहाँ पे देख सकते हो आप, रेस्टोरेंट है और कई सारे मतलब दुकानें यहाँ पे मौजूद है। ये दरगाह शरीफ का मार्केट है और अभी यहाँ से हम अंदर चल रहे हैं, आपको सामने दरगाह से दिख रही होगी, ये यहाँ का पूरा नज़ारा है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको बताया कि सैयद अली मीराद अत्तार के दरगाह शरीफ गुजरात में स्थित है, उंजा शरीफ स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पर, जो कि उनावा, उनावा शरीफ के नाम से जानी जाती है। तो आप यहाँ पे आओगे तो मतलब
अगर आप रेलवे स्टेशन उतरोगे तो आप वहाँ पे टेम्पू वाले को भी बोलोगे तो आपको आराम से यहाँ पे छोड़ देंगे। और दोस्तों यहाँ से रिलेटेड जो भी कई जनों के कमेंट आ रहे थे कि सस्ता होटल गेस्ट हाउस, तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक ऐसी होटल भी आपके लिए लेकर के आया हूँ जो कि जहाँ पे अगर आप मेरा नाम लोगे तो आपको कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा और सस्ता ही है। तो आप यहाँ से पूरा नज़ारा देखिए, पहले आप यहाँ से पूरा सीन, यहाँ से अभी हम आए थे, ये पूरा मार्केट का काफ़ी प्यारा यहाँ का नज़ारा है, ये पूरा यहाँ से अभी हम आए थे और यहाँ से अभी हम अंदर चलेंगे और आपको ज़ियारत कराएंगे, यहाँ पे दीदार कराएंगे। और दोस्तों कई यहाँ के हमारे चैनल पे वीडियो आएंगे जो कि आपको मैंने जैसे कि बताया आपको अलग अलग पार्ट में आएंगे। तो यहाँ से मैंने अभी आपको ऊपर से दिखाया था, काफ़ी खूबसूरत यहाँ का मंजर था और अभी भी अंदर चल रहे हैं। दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम है सैयद अली मीरा दातार की दरगाह शरीफ में जो भी मतलब ब्लैक मैजिक, काला जादू, जिन्नात, किसी ने कुछ करा दिया या किसी ने कुछ पिला दिया, जहाँ पे मतलब साइंस ख़त्म हो जाता है, इन चीज़ों को साइंस नहीं मानता है, लेकिन यहाँ की करामात आज भी साइंस को चुनौती देती है, क्योंकि डॉक्टर तक जो हार मान जाते वैसी चीज़ों का इलाज यहाँ पर होता है। तो अभी हम अंदर चलेंगे और सैयद अली मीरा दातार दरगाह शरीफ में आपको ज़ियारत कराएंगे। और दोस्तों आपको यहाँ का पूरा सीन जैसे कि मैंने अभी आपको पूरा बाहर से लेकर के अंदर तक बताया और दरगाह शरीफ का पूरा एड्रेस भी मैंने आपको बताया। तो दोस्तों यहाँ से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार की अगर जानकारी आपको चाहिए तो आपको यहाँ के जो खादिम साहब हैं जिन्हों से अभी हमने बात करी थी वीडियो की शुरुआत में, अभी आपको वीडियो में भी सामने दिख रहे हैं, तो किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप इन्हों से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और अगर दुआ करवानी है अपनी तरफ से तो आप इन्हों से कॉन्टेक्ट करके बात कर सकते हो। किसी भी प्रकार की मतलब जानकारी लेनी है, अगर आप परेशान हो किसी चीज़ से तो भी आप इन्हों से पूछ सकते हो। दोस्तों इस चीज़ का कोई भी पैसा नहीं है, यहाँ पे इलाज एकदम फ्री है। तो अभी आप अंदर चलते हैं और लाइव ज़ियारत करते हैं, आपको दीदार कराता हूँ यहाँ पर मज़ार मुबारक का, जैसे कि अभी आप लाइव देख रहे हो यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पे अभी दुआ भी करी जाएगी जिसका वीडियो जल्दी से जल्दी अपने चैनल पे आएगा, तो आप यहाँ से दीदार करिए, आपकी जो भी मन्नत हो यहाँ पे मांगिए। दोस्तों आप एक बात नोट करना कि यहाँ पे कितने मन्नत के धागे बंधे हुए हैं और यहाँ पे हर जात हर धर्म के यहाँ पे व्यक्ति आते हैं, यहाँ पे कोई जात ना कोई धर्म देखा जाता नहीं, यहाँ पर सिर्फ इंसानियत देखी जाती है। इंसानियत एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए यहाँ पर सभी के काम होते हैं। तो आप यहाँ का पूरा नज़ारा देखिए, यहाँ पे दीदार करिए और जल्दी से जल्दी यहाँ के और भी वीडियो आएंगे जो कि हमारे जो खादिम साहब है आप लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया दुआ करेंगे। तो दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।